ये आपकी स्किन को रिपेयर भी करेगा, दाग धब्बे सब खत्म करेगा, स्किन में ग्लो आएगा, ऐसा लगेगा कि आपने फेस पर ब्लीचिंग किया है और उसके बाद जो चमक आती है वही चमक इस क्रीम से आएगी आपको। बहुत अमेजिंग है, आप जरूर यूज कीजिए। और बच्चा लो कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों गर्मी और बारिश के मौसम में चेहरे पर पसीना आना एक आम समस्या है, मगर पसीना अपने आप साथ में चिपचिपाहट भी लाता है। इससे धूल मिट्टी के कण स्किन पोर्स के अंदर घुस जाते हैं। ऐसे में त्वचा से जुड़ी कई परेशानियों का सामना इस मौसम में हमें करना पड़ता है। सारी परेशानियां वहीं से शुरू हो जाती हैं। ऐसा ना हो तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो देख लेते हैं। इसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नॉर्मल ही चाहिए जो हमारे घर में अक्सर होते हैं। यहाँ ले रही हूँ मैं थोड़ा सा कोकोनट जो कि हमारे घर में होता है। अगर आपको कोकोनट पसंद नहीं तो अपनी पसंद का कोई भी ऑयल ले सकते हैं। अभी हमने कोकोनट लिया है तो इसे मैंने फ्रिज में रख दिया है जिससे ये थोड़ा जम जाए। 5-7 मिनट में ये ठंडा होकर जमने लगेगा। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना टोटल फ्री है। अभी हमने एक नॉर्मल खीरा लेते हैं, उसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद उसको खीरे को छिलके समेत ही मैं उसे ग्रेट करती हूँ। खीरा विटामिन और कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो कि स्किन को नमी ही नहीं बल्कि कई तरह से उसे ठीक करके सफाई भी करता है, जिससे डेड स्किन के सेल्स खत्म हो जाते हैं और त्वचा प्राकृतिक रूप से चमकने लगती है, मतलब फेस जो है ना ग्लो करने लगता है। खीरा जेल के कई फायदे हैं। इसे चेहरे पर लगाने से इसके स्किन के पोर्स का साइज छोटा होता है, त्वचा में कसाव आता है। खीरे में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज भी होती है, त्वचा पर इसका प्रयोग करने से स्किन पर चमक और निखार आता है। जैसे कि अक्सर हम ब्लीचिंग करते हैं तो उसके बाद हमारा चेहरा खिला खिला चमका हुआ लगता है। ग्रेट करने के बाद एक पतली सी जाली वाला कपड़ा या फिर सूती कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं या छन्नी में उसका पूरा जूस निकाल दीजिए, मतलब हमें खीरे का जूस चाहिए। तीसरा इंग्रेडिएंट चाहिए हमें एलोवेरा जेल। एक साफ सा बोल ले लेते हैं, उसमें 2 चम्मच भर के एलोवेरा जेल डालते हैं। अब इसमें मैंने विटामिन ई के 2 कैप्सूल डाले हैं। ये सारी चीजें हमारी स्किन को बहुत ज्यादा फायदे देते हैं। हर एक के लिए इंडिविजुअल, मैंने बहुत बार आपको बताया है कि विटामिन ई हमारे लिए क्या करता है या हमारे लिए एलोवेरा जेल क्या करता है। तो ये सारी चीजें हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत अच्छी चीजें होती हैं। दोनों ही कैप्सूल का ऑयल मैंने निकाल दिया है एलोवेरा जेल के अंदर। अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल में 2 कैप्सूल का ऑयल आपको डालना है। आपने देखा कितना बढ़िया कलर चेंज हो गया। इसकी थिकनेस काफी ज्यादा है। अब इसको कंसिस्टेंसी इसकी ठीक करने के लिए मैं इसमें मिलाऊंगी खीरे का जूस। लेकिन याद रहे खीरे का जूस एक साथ नहीं मिलाना है, बस एक एक चम्मच डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। जब ये पूरा रस आपने इसके अंदर यूज कर लिया, अब आपका जो एक कोकोनट रखा था फ्रीजर में जैसे जम जाए तो उसको भी आप निकाल दीजिए। मेरा ये जो कोकोनट है ना थोड़ा सा ज्यादा जम गया है, लेकिन आप थोड़ा सा कम जमने दें तो उसे मिक्स करने में बहुत ही इजी हो जाएगा। धीरे धीरे स्पून से या फोक से मिक्स करते हुए उसे पूरा मिक्स कर दीजिए। यहाँ मैंने एक विस्कर ले लिया, उसके साथ मैंने इन सभी चीजों को मिक्स किया। इसका कलर, इसकी रंगत बिल्कुल चेंज हो गई है। नेचुरल सा कलर, बिल्कुल कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही बढ़िया कुकुम्बर नाइट क्रीम बनकर तैयार हुई है, जो कि आप मार्केट में काफी महंगी लाते हो। और हाँ बच्चों, मैंने अभी तक आपके लिए ढेर सारी क्रीम बनाई है। आपको सबसे अच्छी क्रीम कौन सी लगी कॉमेंट करना बिल्कुल न भूलें। मार्केट से हम इसी कंसिस्टेंसी में इसी कलर की हम लोग बहुत महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन उनमें केमिकल ऐसे मिले हुए होते हैं जो कि ये प्रिजर्वेटिव कर सकते हैं, लेकिन हम घर में जब बनाते हैं तो प्रिजर्वेटिव नहीं डालते। इसलिए आपको उतना ही बनाना है जैसे 15-20 दिन में ये खत्म हो जाए। ये देखिए कितनी परफेक्ट बनी है। इसे आप किसी भी उम्र में यूज कर सकते हैं। रात को सोते समय स्किन पर फेस साफ करने के बाद इसे यूज कर सकते हैं। आप इसे छोटी सी बॉटल में रख दीजिए रूम टेम्परेचर पर, बाकी सारा जो बनाया है हमने उसे फ्रिज में ढककर इसे कवर करके रख दें। मतलब 1-2 चम्मच आप बाहर रखें, बाकी का बनाया हुआ आप फ्रिज में रख दें, या तो पूरा ही आप फ्रिज में रख सकते हैं। 15-20 दिन में आप दूसरा बैच बनाएंगे, ये मुझे विश्वास है आपको बेहद पसंद आएगी ये क्रीम। कैसी लगी बच्चों कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।